हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी चैनल। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो लेकर आए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो इंडिया पोस्ट के बारे में, जो इसकी नोटिफिकेशन में लगभग 4000 वैकेंसीज यानी लगभग 3900 वैकेंसीज पर भर्ती जारी की गई है दोस्तों। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, इसकी अप्लीकेशन फीस के बारे में, लास्ट डेट और के बारे में, स्टार्टिंग डेट के बारे में सारी डिटेल्स वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, जो इसका नेम है वो है उत्तर प्रदेश सर्कल रिक्रूटमेंट 2020 के लिए। इसका जो पोस्ट नेम वो आपकी ग्रामीण डाक सेवा होगी। इसका डिपार्टमेंट जो होगा उत्तर प्रदेश के लिए भर्ती जारी की गई है ग्रामीण डाक सेवा के लिए। तो दोस्तों, इसकी जो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपकी हैं वो 23 मार्च से स्टार्टिंग डेट हो चुकी है इसकी। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट आपकी 22 अप्रैल 2020 है। इसकी लास्ट डेट पेमेंट करने के लिए भी आपकी 22 अप्रैल है। एग्ज़ाम डेट की इसकी अभी अवेलेबल सुन है, यानी इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है एग्ज़ाम डेट की, कब इसका एग्ज़ाम डेट होगा, कब इसका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल ओबीसी के लिए आपकी 100 रुपये फीस आपको देनी होगी। इसके बाद आपकी जो एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, केवल जनरल ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये देना होगा। अगर एससी एसटी से मेल कैंडिडेट्स होता है उसके लिए एक भी रुपये नहीं देना होगा, और फीमेल कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपये एक्सेप्टेड फीस होगी। तो दोस्तों, इसके बाद हम इसकी बात करते हैं जॉब लोकेशन की बात करें तो इसकी जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश होगी, यानी ऑल यूपी में इसकी होगी। इसका फॉर्म के बाद उत्तर प्रदेश के ही लोग इसको फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट के लिए अलाउ नहीं होता है, ठीक है। इसकी जब हम एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट आपकी 23 मार्च 2020 से इसकी एज ली जाएगी। इसकी जो मिनिमम एज होगी आपकी 18 साल आपकी मिनिमम एज होगी, और इसकी मैक्सिमम एज की बात करें तो इसकी मैक्सिमम एज आपकी 40 साल की एज है, यानी बहुत ही अच्छी खासी एज भी दी गई है, यानी इसको 18 साल से 40 साल के युवक युवतियाँ इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों, जरूर जरूर इस फॉर्म को भरें, बहुत अच्छा फॉर्म है और ये 10th लेवल का ही फॉर्म है, 10वीं पास लोग इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो मैंने बताया था लगभग 4000 के लिए, तो इसमें आपकी वैकेंसीज़ हैं 3951 पोस्ट पर भर्ती, जो भारी भरकम पोस्ट हैं और इसमें भर्तियाँ बहुत ज़्यादा होने वाली है दोस्तों, इसको जरूर से जरूर इसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कैटेगरी वाइज डिटेल्स बात करेंगे कि जनरल में इसकी 882 पोस्ट की भर्ती की जाएगी, और ओबीसी के लिए आपकी 408 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 144 पोस्ट, एससी के लिए 429, एसटी के लिए 94 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी ए ग्रुप के लिए 17 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी बी ग्रुप के लिए 19 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी सी ग्रुप के लिए आपके लिए 19 पोस्ट होंगे और पीडब्ल्यूडी डी ई ग्रुप के लिए 9 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, इसकी सैलरी के बारे में तो अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो पहले जो नोटिफिकेशन आई हुई थी उसमें सैलरी लगभग इसमें 30,000 की स्टार्टिंग थी इसकी सैलरी। दोस्तों, इसके हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th में मांगा गया है, हाई स्कूल सेकेंडरी मैट्रिक जिसे क्लास 10th के लिए बोलते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी बोर्ड से आपको इसको हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपका बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपके पास बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 60 डेज का डायरेक्शन कोर्स होना चाहिए, यानी आपका 60 दिनों का मिनिमम 60 दिनों का डायरेक्शन का कोर्स होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का, या फिर आपके पास 3CCC होना चाहिए, जैसे बेसिक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी कोई भी बेसिक कंप्यूटर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन होगा ये 22 अप्रैल से इसकी सबमिट होंगे 22 अप्रैल तक के, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट से बात करें तो इसके डॉक्यूमेंट आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, इसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड होगा जो कि 200 KB में होगा, आप इसको मोबाइल फ़ोन से भी इसको भर सकते हैं, अगर कोई डाउट होता है तो इसमें बता दूंगा आपको, ये आपका 200 KB में अपलोड होगा। इसके बाद में बात करते हैं बी नंबर में जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा वो JPG में भी इसको अपलोड कर सकते हैं, ये भी आपका 200 KB से होगा, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, यानी आधार कार्ड वगैरह टाइप का, ठीक है। इसके बाद आपका फोटो लगेगी, रिसेंट कलर फोटो लगेगी जो भी 200x230 पिक्सल में 50 KB के में आपकी अपलोड होगी। इसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड होगा जो भी 50 KB के होगा, यानी पिक्सल जो होगा 200x230 की पिक्सल में होगा। इसके बाद जो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी यानी बीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास अगर विकलांग प्रमाण पत्र है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका टेस्ट होगा। तो दोस्तों, इसकी जो लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, तो दोस्तों आप इसको जरूर जरूर जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा,
अगर ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और बी अलर्ट एंड बी सेफ कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, बी अलर्ट एंड बी सेफ। तो दोस्तों जय हिंद।